सो हेलो एवरीवन एंड होप यू ऑल आर डूइंग वेल मैं हूं आप लोगों का होस्ट इन पुनीत आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एफ एक्स थर्टी की सारी वीडियो सेटिंग्स को एक्सप्लेन करने वाला हूं सो एफ एक्स थर्टी एक बहुत अच्छा कैमरा है फॉर शूटिंग योर सिनेमैटिक वीडियोस और अ ट्रेडिशनल वीडियो इस वीडियो में जो भी कैमरा सेटिंग्स मैं यूज़ करता हूँ अपनी वीडियो को सिनेमैटिक दिखाने के लिए वो मैं क्विकली इसके अंदर आपको एक्सप्लेन करूंगा स्टार्ट करते हैं मिना वक़्ए अगर आप आए चैनल पे फर्स्ट टाइम तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को एफ एक्स के बहुत सारे वीडियोस मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं तो जाकर के आप उन्हें देख सकते हो फुल रिव्यू और बहुत सारे कंटेंट भी अभी इस मंथ में अपलोड करने होने वाला है तो स्टे ट्यून रही मेरे चैनल पर स्टार्ट करते हैं मिना वक चलिए शुरू कर दें गाइस लेट्स गेट स्टार्ट सो so, मैंने अभी यहाँ पे मेरे कैमरा को कनेक्ट किया हुआ है थ्रू माई एक्सटर्नल मॉनिटर जिसपे मैं बेसिकली रिकॉर्ड करने वाला हूँ मेरे कैमरे की स्क्रीन को सो so, अभी आपको यहाँ पे जो है वो मेरे कैमरे की स्क्रीन नजर आ रही होगी ठीक है अब कैमरा में जो है वो आपको मोड का जो डायल है वो नहीं मिलता है जैसे अगर आप अल्फा कैमराज अभी तक यूज करते आए तो देर इज नो मोड डायल आपको यहाँ पे मोड का डेडिकेटेड बटन देखने को मिलता है और ऑन ऑफ का बटन भी जो है वो आपको पीछे की तरफ देखने को मिलेगा और आगे की तरफ जो है वो कंपनी ने जूम इन और जूम आउट करने के लिए जो है वो बटन को ऐड किया है जिससे कि आप सर्वो जूम इन जूम आउट को कंट्रोल कर सकते हो ठीक है अब मैं मोड डायल पे जैसे जैसे ही ही प्रेस करूंगा मोड बटन को जैसे ही प्रेस करूंगा मेरे पास जो है यहाँ पे वो ऑप्शन खुल जाते हैं जहाँ पे मैं वीडियो और फोटो प्लस शटर प्रायरटी मोड अपर्चर प्रायर मोड प्रोग्राम मोड और ऑटो मोड को सिलेक्ट कर सकता हूँ ठीक है अभी हम वीडियो की बात करें तो आई विल विल टेक टेक यू यू आई टू विलेक

मैन्यू बटन को प्रेस करूंगा मेरे पास यहाँ पे इसका मेन्यू ओपन हो जाएगा ठीक है अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहली चीज ये क्विक मेन्यू है जो कि नया टाइल बेस मेन्यू एफ एक्स थ्री से स्टार्ट हो गया था है ना तो यहाँ पे आप जो अपनी सेटिंग्स को क्विकली यू नो चेंज कर सकते हो जैसे फ्रेम रेट चेंज करना हुआ मैनुअल से अगर आपको ऑटो मोड पे शिफ्ट करना हुआ शटर स्पीड साथ, साथ में कैलविन यानी वाइट बैलेंस पिक्चर प्रोफाइल और साथ साथ में आपकी बेड डेप्थ और सारी चीज़ें आप यहाँ से चेंज कर सकते हो ठीक है को ऑन एंड ऑफ भी कर सकते हो ठीक है अब यहाँ पे मैं नीचे की तरफ आऊँ तो ऊपर की तरफ हमें स्टार मेन्यू भी मिलता है ठीक है स्टार मेन्यू एक तरीके से एक कस्टम मेन्यू है जिसे आप अपने लिए कस्टमाइज कर सकते हो अगर आप कोई पर्टिकुलर सेटिंग को क्विक मेन्यू से एक्सेस करना चाहते हो ठीक है फिर नीचे की तरफ हमें वीडियो मेन्यू और एक्सपोजर मेन्यू और साथ साथ में ऑटो तो फोकस मेन्यू देखने को मिलता है फिर इसके बाद प्लेबैक मेन्यू नेटवर्क मेन्यू और साथ साथ में सूटकेस जो कि सिस्टम सेटिंग्स के लिए बनाया गया मेन्यू है तो अब मैं अगर सबसे पहले वीडियो मेन्यू में आऊ तो सबसे पहले हम लोग इमेज क्वालिटी पे जाएंगे ठीक है अब रिकॉर्डिंग फॉर्मेट्स में मैं जो है इस कैमरा में जो है वो अगर फोर शूट कर रहा हूँ तो मेरे पास दो ऑप्शन है अब फोर के में कौन कौन से दो ऑप्शन हैं अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे कैमरे में वीडियो कंप्रेस होकर मुझे मिले साइज छोटा बन के मिले तो मैं एक्स वी सी एस फाइल को यूज कर सकता हूँ और अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा कैमरा जितना डेटा रिकॉर्ड कर रहा है जितना डेटा वो देख रहा है जितनी क्वालिटी वो रिकॉर्ड कर सकता है अपने सेंसर से मेमोरी कार्ड के अंदर तो इसमें एक एक्ससी वी सी आई फॉर्मेट देखने को मिलता है तो जैसे ही आप मैं आपको कंपेरिजन दिखाता हूँ मैं एक्सी वी सी एस को सिलेक्ट करूंगा तो आप देख सकते हैं मेरा कैमरा जो है वो दो सौ एम बी पी एस और एमबीपीएस अगर आप टेन बिट कर रहे हो तो दो सौ और एट बिट कर रहे हो तो डेढ़ सौ एम तक आप शूट कर सकते हो प्लस अगर आप फोर के एक्स फॉर्मेट है ठीक है अनकम्प्रेस में तो आप देखोगे कि मैं अब केवल कोई भी सिलेक्शन का ऑप्शन मेरे पास नहीं है फिफ्टी फ्रेम पे और मैं पांच सौ एम बी फोर टू टू टेन बिट पे शूट कर पाऊंगा तो ये बेसिकली एक तरीके से हम लोग ही अपने कैमरे में वीडियो क्लिप को छोटा कर सकते हैं हमारे पास कंप्रेशन का ऑप्शन अवेलेबल है मल्टीपल तो सपोज करो अगर मैं कोई मूवी शूट कर रहा हूँ या कोई ओटी के लिए काम कर रहा हूँ या कोई कमर्शियल वर्क कर रहा हूँ जहां पे मेरे को बहुत हाई लेवल की correction, जहाँ पे मुझे हाई लेवल का करेक्शन करना है अपनी वीडियो क्लिप में तो आई थिंक आप जो है वो इस फॉर्मेट को सिलेक्ट कर सकते हो एक्स वी आई फॉर्मेट को और अगर आप कोई नॉर्मल अपना वेडिंग प्री वेडिंग वाला या डेली रूटीन वाला कोई कंटेंट बना रहे हो जहां पे आपको फोर के करना है तो आप एक्सी वीसी फोर को सिलेक्ट कर सकते हो जिसमें आपकी जो साइज है मेमोरी कार्ड में ही छोटी हो जाएगी तो इस तरीके से आप मल्टीपल फ्रेम रेट्स को मल्टीपल फॉर्म फॉर्मैट्स को यूज़ करके अपने शूटिंग में जिस टाइप की क्वालिटी आपको रिकॉर्ड करनी है उसे डिफाइन कर सकते हो ऑफ कोर्स वी सी एस के अंदर भी आपको एक बहुत अच्छी क्वालिटी का वीडियो मिलता है पोस्ट में उसमें भी काफ़ी करेक्शन किया जा सकता है बट अगर आपको वीडियो में बहुत एक्सट्रीम लेवल वाला करेक्शन करना है लाइक स्ट्रीन के ऊपर काम करना है इसके साथ साथ में बैकग्राउंड में से डिटेल को रिकवर करना है तो एक्स वी एक सबसे अच्छा फॉर्मेट है टू डू शूट योर कॉन्टेंट

45 एम तक के साइज तक कंप्रेस कर सकोगे यानी आप एक काफी छोटी साइज अपनी 4K में रिकॉर्ड कर सकोगे और पोस्ट में उसे इजीली एडिट कर सकोगे बट अभी जो ये पर्टिकुलर कंप्रेशन है अगर आपके पास में एडिटिंग के लिए अच्छा लैपटॉप है जो कि न्यू जनरेशन लैपटॉप है तभी मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एच फॉर्मेट को यूज करो उसके पीछे रीजन क्या है कि एच जो एक फॉर्मेट है ये न्यू एस की एल्गोरिदम है कंप्रेशन की और ये टाइम टाइमलाइन पे इजीली इनकोड नहीं होती है अगर आपके पास में कोई पुराने लैपटॉप्स या सिस्टम है तो अगर आपके पास आई इलेवन जनरेशन इलेवन जनरेशन ट्वेल्व जनरेशन और मैकबुक एम वन मैक्स वाले प्रोसेसर वाले लैपटॉप्स है तो आप इस फॉर्मेट को भी यूटिलाइज कर सकते हो टू शूट योर वीडियो ताकि पोस्ट में आपका सीमलेस वर्क हो सके नाउ अगर आप स्लो मोशन में जाओगे तो सपोज करिए अगर मैंने फोर के सिलेक्ट किया तो स्लो मोशन में आई कैन गो हंड्रेड फ्रेम ठीक है और अगर मैं फुल शूट करता तो स्लो मोशन में आई कैन गो अप टू 200 200 फ्रेम्स तो आप फ्रेम और 4K में 400 फ्रेम तक इसमें स्लो मोशन शूट कर सकते हो फुल डी में 200 फ्रेम हो जाता है आप वही 10 बिट और 8 बिट का सिलेक्शन भी यहाँ नीचे आके कर सकते हो एक चीज ध्यान रखने वाली है आपको अपनी जो फर्स्ट रिकॉर्डिंग फ्रेम रेट यानी जो प्लेबैक फ्रेम रेट है उसको 25 रखना है और जो फ्रेम रेट है एस फ्रेम रेट है उसे आपको जो है वो सबसे हाई पे ले जाना है तो ताकि आपको जो है वो मैक्सिमम स्लो मोशन आपकी वीडियो में बन के मिलेगा जैसे मैं 200 सौ सेलेक्ट करता हूं आप देख सकते हो मेरा कैमरा नाउ 8x स्लो मोशन कर रहा है और अगर मैं इसको Uh, 50 फ्रेम कर देता हूँ रिकॉर्डिंग प्लेबैक फ्रेम रेट को ना मेरा कैमरा जो है पे 4x एक्सलो रिकॉर्ड करेगा तो अगर आपको स्लो मोशन वीडियो कैमरे में ही निकालना है तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है बस कि आपकी प्ले फ्रेम रेट फर्स्ट वाली वो 25 यानी सबसे कम होनी चाहिए और रिकॉर्डिंग फ्रेम रेट जो है वो आपकी सबसे हाई होनी चाहिए आपके कैमरे के अंदर नाव अब हम लोग चलते हैं लॉक शूटिंग मोड की तरफ तो यार बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि लॉक कैसे शूट करे बिकॉज ऑफ इसमें नया लॉक शूटिंग मेन्यू हमको मिलता है जो कि आपको एफ एक्स थ्री में भी देखने को मिल रहा था अब मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ पिक्चर प्रोफाइल सेलेक्ट करने के लिए आपको जो है वो यहाँ पे एक्सपोजर वाले ऑप्शन में आना है कलर टोन में आकर के और आप यहाँ से पिक्चर प्रोफाइल को सिलेक्ट कर सकते हो ठीक है अब आपको कैमरा में पीपी वन पीपी टू पीपी थ्री पीपी फोर पी फाइव पीपी सिक्स उसके बाद सीधे पीपी टेन पीपी इलेवन मिलता है

पीपी इलेवन पी जो है वो इसकी सबसे बेस्ट प्रोफाइल है बिकॉज ऑफ ये एस टोन आपको ऑप्शन देता है है रिकॉर्ड करने का ठीक अब मैं ये ऑफ करता हूँ ना अब मैं वापस आऊंगा शूटिंग मोड में और अगर मुझे लॉक शूट करना है तो यहाँ पे मुझे ऑप्शन मिलता है लॉक शूटिंग मोड का तो आपको लॉक शूटिंग मोड में तीन ऑप्शन मिलेंगे फ्लेक्सिबल आई एस ओ सिने और सिने तो अगर मैं अपने लॉग में किसी भी आई एस ओ रेंज में जाके शूट करना चाहता हूँ जैसे मैंने यहाँ पे फ्लेक्सिबल आई एस ओ सिलेक्ट किया और नाउ आई वॉन्ट के मैं, मेरा आई एस ओ हंड्रेड से स्टार्ट हो रहा है एंड आई कैन गो इन एस लॉक अपू थर्टी टू थाउजेंड राइट सो मैं किसी भी रेंज ऑफ आई एस ओ में जा सकता हूँ विदाउट एनी प्रॉब्लम अगर मैं जैसे आप पहले से जब आप सेवन एम थ्री यूज करें ए सेवन एस थ्री यूज करें आप उसी तरीके से इसमें लॉक शूट करना चाहते हो तो ये एक ऑप्शन है कि आप फ्लेक्सीबल आई एस ओ में चले जाओ और आप वेराइटी ऑफ रेंज में आई एस ओ को सिलेक्ट कर सकते हो दूसरा एक सबसे अच्छा ऑप्शन है क्या आप इसमें सिने ई आई मोड को सिलेक्ट कर सकते हो तो सिने ई आई मोड के अंदर आपको जो है वो बेस आई एस ओ सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है जो कि सोनी के एफ एक्स थ्री एफ एक्स थर्टी एफ एक्स सिक्स और एफ एक्स नाइन ऐसे कैमरे में मिलता है अब बेस आई एस ओ का मतलब ये है कि आप अपने कैमरे में जो है वो बेस आई एस ओ कर सकते हो तो आप कैमरे का जो बेस आई एस ओ वो एक आठ सौ है और दूसरा पच्चीस है तो अगर आप वीडियो शूट कर रहे हो तो आप अपने हिसाब से इन दोनों में से किसी भी एक रेंज ऑफ आयसो को सिलेक्ट कर लो और आपका जो नॉइज़ लेवल है वीडियो में वो परफेक्ट बना रहेगा ज़्यादा ग्रेन नहीं वीडियो में आएंगे और पोस्ट में आप आसानी से दोनों ही बेस आयरसो उसको यूज़ करके कलर करेक्शन इक्वली कर पाओगे इसके साथ साथ में जो है वो आप अगर मल्टी कैमरा में यूज कर रहे हो कैमरा को तो भी सब कैमराज के साथ में इसके कलर्स आसानी से सिंक हो जाएंगे तो ये एक और अच्छा ऑप्शन है जो कि वीडियोग्राफर्स को बहुत ज़्यादा एफ में भी पसंद था और इसमें भी हम लोगों ने वो ऐड कर दिया है नाउ एक और अच्छी चीज जो एड हुई तो अभी अभी है, है लिखा हुआ क्योंकि इसके अंदर मैंने लट को अभी कनेक्ट जो है वो कन्वर्जन के लिए लगा रखा है तो अगर आप कलर टोन में आएंगे यहां पे आप देखेंगे सिलेक्ट लट ठीक है मैं देखता हूं यहाँ पे मैं जो है अपनी एस लॉक को स्क्रीन पे ही कन्वर्ट कर सकता हूँ देखिए S-लॉक को मैं स्क्रीन पे ही कन्वर्ट देख कर सकता हूँ रेफरेंस देखने के लिए और अगर आप अपनी मल्टीपल लट्स को इंपोर्ट करना चाहें तो स्क्रीन पे ही लट को इंपोर्ट करके और अपनी S-लॉक प्रोफाइल को एज एन कन्वर्ट होकर के ऑन दी स्क्रीन ही देख सकते हो ठीक है तो आप मेन्यू से बाहर आएंगे यहाँ पे ऑप्शन होता है मैनेज योर यूजर लट्स अब यहाँ पे अपने कैमरे में मेमोरी कार्ड में लट को इंपोर्ट करके और यहाँ से सीधे लट्स को इंपोर्ट कर सकते हो और उसी के ऊपर सीधे अपने लट को यूज करके अपनी वीडियो फुटेज को कन्वर्ट होता हुआ स्क्रीन पे ही देख सकते हो अब इस ऑप्शन के दो बहुत बड़े यूज केस हैं जैसे सपोज करो अगर मुझे स्क्रीन पे कन्वर्जन देखना है एस लॉक का जस्ट टू गेट अ रेफरेंस कि मेरी फुटेज कैसी शूट हो रही है तो आप इस ऑप्शन को लट अप्लाई करके देख सकते हो दूसरा एक और अच्छा यूज केस ये है कि अगर आप वीडियो शूट कर रहे हो लॉक पे और आप उसे कन्वर्ट करना चाहते हो ऑन अ स्क्रीन ठीक है तो आप मेन्यू में वापस लॉक शूटिंग में आएंगे यहाँ पे एक ऑप्शन आता है एम्बेड योर लट फाइल अगर आप इसे ऑन कर दोगे तो आपकी जो एस लॉक फुटेज है ना वो कैमरे में ही कलर ग्रेड हो जाएगी आपके मास्टर प्रीसेट्स को यूज करके क्या हाँ ये एक बहुत अच्छा फीचर है आप अपने एस लॉक को कैमरे में ही ग्रेड कर सकते हो लट इम्पोर्ट फीचर एम्बेड लट फाइल को यूज करके तो आपका कैमरा जो है वो लट बेक्ड करके देगा आपको और आपकी फुटेज जो है वो पोस्ट प्रोडक्शन का जो एक एक्स्ट्रा टाइम होता है ना वो आप यहाँ पे आके बचा पाओगे ना अगर मैं आपको अब कस्टम सेटिंग्स की तरफ ले चलूँ जो कि मैं कस्टम करके रखता हूँ अपनी सेटिंग्स को तो यहाँ पे आपको नीचे सूट केस मेन्यू में ऑपरेशन कस्टमाइजेशन में वीडियो कस्टम कीज ठीक है सो वीडियो कस्टम कीज में देखिए मेरा सबसे पहला जो कस्टम बटन है वो मैंने मैग्नीफायर पे सिलेक्ट किया हुआ है फोकस मैग्नीफायर पे ठीक है सेकंड जो है मैंने अभी नॉट येट सिलेक्ट किया है बट मैं इसको सिलेक्ट करूँ तो मैं क्या करूंगा इसे मीटरिंग मोड में सिलेक्ट करूंगा ताकि मैं जो वो मीटरिंग सिलेक्ट कर सकूं मल्टीपल जैसे स्पॉट मीटरिंग हो गया और इसके अलावा मेरा मैट्रिक्स हो गया वो सिलेक्ट करूं है ना थर्ड पे मैं सिलेक्ट करूंगा जो सेंटर डायल है उस पर मैं सिलेक्ट करूंगा मेरा लट ऑन एंड ऑफ वाला फीचर तो मैं यहाँ पे एक्सपोजर कलर में जाऊंगा सिलेक्ट लट तो मैं इस बीच वाले बटन को प्रेस करके आई कैन से तो वो मैं इसमें यूजर लट लगा करके यहाँ से ठीक है वापस गए हम लोग जीब्रा मैंने जो है वो फोर्थ नंबर पे असाइन किया हुआ पीकिंग मैंने पांच पे असाइन किया हुआ है और छठे वाले बटन पे नीचे वाले बटन पे मैंने जो है वो जो स्पीड है, तो और पे स्विच कर सकता हूँ टॉप तो बटन उसी के है, ये बेसिकली आपका प्रेस ए -वी अपर्चर जो है उसको हम लोग बेसिकली यहाँ से ऑटो और मैनुअल कर सकते हैं वाइट बैलेंस फिर प्रेस आई एसओ आई एसओ का सिलेक्शन करना है ऑटो वाइट ऑटो और मैनुअल करना है फोकस की स्पीड को डिसाइड करना है उसके लिए मैंने एफ फोर को असाइन हुआ है पांचवें नंबर पे मैंने जो है वो मूवी शूटिंग यानी पांचवा बटन जो है वो मूवी रोल करने के लिए आप रिकॉर्डिंग प्रेस करोगे मूवी रोल होना स्टार्ट हो जाएगा ठीक है सेम नीचे वाले बटन को भी मैंने मूवी शूटिंग के लिए असाइन किया हुआ है ठीक है और लेंस को मैंने फोकस होल्ड के लिए असाइन किया है ठीक है अब बाकी व्हील्स हैं व्हील्स को मैंने अपर्चर के लिए फ्रंट व्हील को आईएसओ को जो है वो बैक व्हील पे और शटर स्पीड को जो है वो फ्रंट जो है वो रियर व्हील होता है उसके ऊपर मैंने जो है वो उसे असाइन किया हुआ है तो इस तरीके से मैंने बेसिकली वीडियो में इसे कस्टमाइज़ किया हुआ है अपनी एज़ पर दी शूटिंग रिक्वायरमेंट ठीक है एक और ऑप्शन में ऑन करता हूँ दैट इज रिकॉर्डिंग शटर बटन तो अगर आप इसे ऑन करोगे तो आपका कैमरा जिससे आप फोटो खींचते हैं जिस बटन से शटर वाले बटन से उससे रिकॉर्डिंग को ऑन ऑफ कर देगा ठीक है अभी मैं हाल फिलहाल इसे ऑफ कर देता हूँ गाइस इसके साथ साथ में एसलॉक फुटेजेस को अगर आप अगर आप एफ एक्स थ्री या सेवन एस थ्री या सोनी का कोई भी कैमरा यूज कर रहे हैं जहाँ पे आप एसलॉक थ्री फॉर्मेट पे काम कर रहे हैं वीडियो प्रोफाइल पे काम कर रहे हैं उससे अगर आप एक मास्टर लट जो लट अगर आपको इंपोर्ट करनी है जो मॉनिटरिंग uh, लट के तौर पे अगर आप यूज करना चाहते हो या फिर आप एक मास्टर कलेक्शन के लिए एक लट चाहते हो तो मेरी कुछ लट्स हैं जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी मैंने अपनी एसलॉक फुटेज को ग्रेड करने के लिए उन्हीं लट्स को यूज करता हूँ तो अगर आप दाव यूज करो ईडीएस यूज करो या कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करो उसमें इन लट्स को यूज करके अपनी वीडियो को सिनेमेटिक लुक में कलेग्रेट कर सकते हो न अगर मैं एफ बटन मेन्यू में हूँ तो एफ बटन मेन्यू में आई कैन यू नो आई हैव असाइन बटन मेन्यू पर माई वीडियो शूटिंग रिक्वायरमेंट तो यहाँ पे मैं जब वीडियो मोड पे होगा तो ये ऑप्शन देगा मेरे को तो ऑडियो फोकस आ, फोकस जो है बेसिकली वो आपके एरिया मोड रिकॉर्डिंग एफ पी एस स्लो मोशन पिक्चर प्रोफाइल जूम इन जूम आउट की स्पीड और साथ साथ में पिकिंग लेवल और आपका स्टडी शॉट और साथ साथ में आपका जीब्रा लेवल और रिकॉर्डिंग मीडिया सिलेक्शन तो इन सबको मैंने यहाँ पे कस्टमाइज किया हुआ एज पर मैं वीडियो शूटिंग की रिक्वायरमेंट ना अगर आप इंडियन इन्वायरमेंट में वीडियोस को शूट कर रहे हो तो आई वुड रिकमेंड कि आप इस सेटिंग को भी ऑन कर लीजिएगा ये पावर सेटिंग ऑप्शन इसको आप ऑटो हाई पे रखिएगा क्योंकि बेटर रहता है अगर आप इंडियन वीडियो में शूट इंडियन इन्वायरमेंट में शूट कर रहे हैं तो आप इसे ऑटो हाई टेम्परेचर पे ऑटो पावर ऑफ टेम्परेचर को हाई रख करके चले ये आपको कैमरे को अननेसेसरी ऑफ होने से प्रिवेंट करता है प्लस अगर आप वीडियो आउटपुट्स में जाए तो अगर आपको जो है वो आप आप चाहते हो कि आपकी कैमरा जब आउटपुट दे रहा है एचडीएमआई से तो जो इन्फॉर्मेशन अभी आपको स्क्रीन पे दिख रही है ऑफ हो जाए तो आप अगर इनपुट डिस्प्ले को ऑफ कर देंगे तो आपकी कैमरा जो आउटपुट जा रहा है वो क्लियर आउटपुट आएगा तो कई बार हम लोग वेडिंग में हम लोगों को आउटपुट देना होता है डिस्प्लेस के ऊपर तो वहां पे आप इस तरीके से क्लियर आउटपुट भी ले सकते हो काफी लोगों को इसके बारे में नहीं पता होता प्लस अगर आपको रॉ वीडियो शूट करनी है तो आप रॉ को भी इनेबल कर सकते हो अभी ये नहीं दिखा रहा बिकॉज मैंने ऑलरेडी कनेक्ट किया हुआ है अगर आपने कोई रॉ डिवाइस लगा रखा होगा तो आप यहाँ से रॉ आउटपुट को भी ओपन कर पाओगे ऑन कर पाओगे और सोलह बिट और बारह बिट का रॉ आउटपुट अपने बेसिकली निंजा के साथ में कनेक्ट करके और शूट कर पाओगे सो so, इस तरीके से बेसिकली मैंने मेरे कैमरे को कस्टमाइज किया हुआ है वीडियो सेटिंग्स से के लिए फोटो सेटिंग्स के लिए डेडिकेटेड वीडियो है वो भी आप जरूर देखिएगा अगर आप अपने कैमरे को फोटो के लिए कस्टमाइज करना चाहते हो तो शूट अ वेरी गुड फोटो ड्यूरिंग दी शूट अगर आप लोगों को वीडियो पसंद हो तो चेकआउट कर लीजिए मेरे के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे मेरे लट के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे फॉलो कर लीजिए मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पे थैंक सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टेट एंड की शूटिंग